हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आई बिलीव आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, बस उसको कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहिएगा, अदरवाइज आपको वो चीजें भूल जाएंगी। इसके अलावा पैरेलली वी आर रनिंग आर्ट एंड कल्चर, उसमें भी आपको शॉर्ट वीडियोज फिल्म्स ओरिएंटेड आती ही रहेंगी। इसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री भी हम लोग आज से शुरू कर देते हैं फटाफट। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस्लाम का कैसे ओरिजिन होता है, कैसे जो होता है डेवलप होती है, और अरब और टर्किश इन्वेजन किस तरीके से आते हैं, क्या होता है चीजें। तो फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगेन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए, जो मेडिवल हिस्ट्री है ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट एज सच नहीं होती है। वी हैव सेवरल टॉपिक्स विच हैव देयर इंपॉर्टेंस इन द प्रीलिम्स एज वेल एज इन द मेंस एग्जामिनेशन, बट ओवरऑल अगर टर्म में देखेंगे तो इसका कोई खास यूज नहीं है। लेकिन जितनी भी चीजें जरूरी हैं और जरूरी से थोड़ा सा ज्यादा ही हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, देखेंगे इसके बारे में, सो दैट यू शुड हैव एटलीस्ट अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो आपको कोई भी डर ना रहे और अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो नॉलेज का यूज किया जा सकता है इलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शंस को करने में, तो काफी हेल्प मिलेगी। फटाफट शुरू करते हैं मेडिवल हिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर, अरब एंड टर्किश इन्वेजन। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल कोर्सेज, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा देखिए, आर्ट एंड कल्चर की पैरेलली प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस रन तो हो ही रही है, दैट विल बी ऑब्वियसली on the YouTube, but here a full-fledged course of art and culture is also available, but this is based on the subscription where prelims as well as mains dono hi focus me karke aap logo ki preparation karai jayegi, where PDF materials as well as the answer writing practice will be focused here. To jinko bhi सब्सक्राइब करना हो वो कर सकते हैं। फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस्लाम, द ओरिजिन ऑफ इस्लाम। तो देखिए, इस्लाम का मतलब होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, विनम्रता। कोई कितना जो होता है विनम्र है, या फिर द पवित्रता एक तरीके से कह सकते हैं आपकी, कितना ज्यादा जो होता है कोई भी चीज पवित्र है, कितनी भी ज्यादा जो है सेक्रेट एक तरीके से, और शक्ति में प्रवेश करना भी आप बोल सकते हैं, गेटिंग इनटू द पावर। तो एक तरीके से ये होती है इस्लाम का मतलब। इस्लाम के जो फॉलोअर्स होते हैं उन्हें मुसलमान बोलते हैं। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम प्लस ईमान, दैट मीन्स कि जिसका ईमान पुख्ता हो, मतलब जो होता है जो बहुत ही ज्यादा ईमान हो उस चीज के अंदर में, तो उसे बोला जाता है मुसलमान। इनके बारे में अगर बात करें तो देखिए, इस्लाम जो होती है फाउंड हुई थी मक्का में बाय प्रॉफेट मोहम्मद। हुआ ये था कि इनका जो कह लीजिए प्रॉफेट मोहम्मद की जो बर्थ हुई थी वो 570 एडी में हुई थी, और इन्हें 610 एडी में इन्हें एक यहां पर माउंटेन या फिर हिल बोल सकते हैं, दैट इज द हीरा हिल, यहां पर इनको जो होता है ऐसा माना जाता है कि इनको खुदा का संदेश मिला था, यानी कि इनको एक तरीके से एनलाइटनमेंट हुई थी। और 622 एडी से जो है ये प्रॉफिट की जो कह लीजिए कि जो इस्लाम की जो उपदेश है उनको ये बताना शुरू कर दिए थे। बताने से क्या हुआ था कि इन्हें ऑब्वियसली शुरू में तो हर चीज का विरोध होता है, हर एक सही चीज का पहले शुरू में विरोध होता है, लेकिन फिर क्या हुआ था, एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट इन्हें मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा था, और इसे ही हम लोग कहते हैं हिजरी, और यहीं से इनका हिजरी संवत भी स्टार्ट होता है। तो लेटर प्रॉफेट मोहम्मद मूव्ड टू मदीना एंड दिस मुस्लिम एरा वाज कॉल्ड एज हिजरी, ठीक है। और फिर उसके बाद से शुरू में तो भले ही आपका फॉल मतलब कि लोग अगेंस्ट में हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, जब कोई भी चीज सही होती है सच्ची होती है तो ऑब्वियसली उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। तो वही चीज यहां पर भी हुआ, प्रॉफेट मोहम्मद के फिर फॉलोअर्स काफी ज्यादा बढ़ गए, इस्लाम का फिर स्टार्ट हो गया और इस्लाम जो है आगे काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। 632 एडी में इसी तरीके से जो है प्रॉफेट मोहम्मद की एक तरीके से कह लीजिए इंतकाल हो गया था, और यहां पर फिर जो होती है मोहम्मद साहब के बाद में थोड़ी सी पॉलिटिकल हो गई थी इस्लाम, एंड आगे जिस तरीके से खलीफा होंगे उनको लेकर के सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट यहां पर शिया एंड सुन्नी का केस फिर स्टार्ट हो गया था। वी आर नॉट गेटिंग इन टू द रिलेशंस ऑफ शिया एंड सुन्नी एंड इसमें क्या दिक्कतें हैं, इसके बारे में हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड विद द लॉ एंड वी आर नॉट स्टडिंग द लॉ थिंग हियर। आगे अगर बात किया है तो देखिए, यहां पर उमायत्स एंड
अबासीस वर कॉल्ड कैलिफ्स, तो ये जो होते हैं आगे के कैलिफ्स वगैरह बने थे। आगे अगर बात किया जाए, हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और कितने हमारे इन्वेडर्स हैं जो कि आगे आए, इंडिया में आए थे। कई लोग हैं इसमें, जैसे मेनली तीन लोग इंपॉर्टेंट हैं इसमें, एक है मोहम्मद बिन कासिम, देन उसके बाद से गजनवी, एंड लास्टली गोरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज सामने आती है कि जब ये इस्लाम ये अरब में फ्लरिश हुआ था तो फिर ये इंडिया में क्यों इन्वेड किया? या तो इंडिया के किसी बंदे ने इनको बुलाया हो, इन्वाइट किया हो, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, तो फिर आखिर में अरब जो है वो इंडिया में आए ही क्यों थे? यहां पर देखिए रीजन इसका था इस्लाम, द स्प्रेड ऑफ इस्लाम ये बोला गया था। हुआ ये था कि देखिए जो किंग थे, मतलब कि जो अरब के इलाके में जो राजा लोग थे, ऑब्वियसली अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे। पावर को बढ़ाने के पीछे जो रीजन है उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अरब में अगर आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ जो है वो डेजर्ट एरियाज हैं। डेजर्ट एरिया है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एग्रीकल्चर कुछ खास होगा नहीं, एग्रीकल्चर कुछ खास होगा नहीं तो ऑब्वियसली प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ पर कुछ खास नहीं होगी। एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट लोग क्या है, ट्रेड किया करते थे। ट्रेड करने का मतलब एक समान एक जगह से सामान उठाते थे और दूसरे जगह पर सामान को बेच देते थे। और इस तरीके से जो होती है, जैसे ये इजिप्ट में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में या फिर जापान में, चाइना में, या फिर जो है आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में या फिर अफ्रीका में ये ट्रेड किया करते थे। लेकिन इससे ऑब्वियसली बात है केवल आपको प्रॉफिट मार्जिन ही हो पा रहा होगा, आपको कोई एक बड़ा मार्जिन नहीं हो पाएगा। अब बड़ा मार्जिन नहीं होगा तो सीधी सी बात है टैक्स भी बड़ा नहीं मिलेगा, और टैक्स अगर बड़ा नहीं मिलेगा तो किंग की जो भी प्रॉस्पेरिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो किंग को क्या है कि कुछ अदर मींस ढूंढने पड़ेंगे। तो जो अदर मींस हैं वो एक बहुत ही अच्छा चीज सामने निकल करके आता है और वो होती है इंडिया की प्रॉस्पेरिटी। चलो भाई इंडिया को लूट लेते हैं, बिकॉज ट्रेड करने से तो कुछ खास हो नहीं रहा है, तो चलो भाई उनको लूट लेते हैं। द प्रॉब्लम हियर वॉज कि लूटने तो ऑलरेडी बहुत लोग आए हुए थे, जैसे शकाज आए हुए थे, हुंस आए हुए थे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी आकर के रखे हुए थे। लेकिन क्या है कि इनका एंड हो गया था और ये पता चल गया था सिकंदर के टाइम से ही कि इंडिया में एक तो हर एक सीढ़ी पे, मतलब कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हर एक सीढ़ी पे आपको वॉर लड़नी पड़ेगी, और कितना आप वॉर लड़ पाएंगे, एक के बाद एक आते आएंगे। और इंडिया के जो मेन कंटिनेंट है, मेन सब कंटिनेंट है, इसके अंडर में, मतलब कि इंडिया के सेंट्रल पार्ट या नदर्न पार्ट में या कहीं पर भी अगर आप देखेंगे मेनलैंड में, तो काफी पावरफुल नेशंस हैं, काफी पावरफुल जो है रूलर्स हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, पाल हो गए, या फिर जो होता है वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी, चंदेल हो गए। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े स्ट्रांग रूलर्स हुआ करते थे, जिसके कारण से ये लोग अगर जब तक इनको एक अच्छी खासी पावर यहां नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली ये अरब वाले लूट नहीं कर पाएंगे। और इनको इस लूट को करने के लिए ऑब्वियसली बात है कि इनको खलीफा का भी चाहिए था साथ, खलीफा का साथ चाहिए होगा तो लोग जो है पागलों की तरीके से लड़ेंगे। जैसे क्या होता है कि अगर आपकी पर्सनल राइवलरी किसी के साथ रहेगी, या फिर अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका काम है, मतलब आपका धर्म है लड़ाई करना, तो आदमी जो है बहुत ही पागलों की तरीके से लड़ेगा। तो ये जो पागलों की तरीके से लड़ना है, मतलब कि एकदम जो कहा जाता है कि जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं और आपको कहा जाता है कि द ओनली एंड ओनली थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू डू दिस, आपको जो होता है सेलेक्ट होना ही होना है। वही चीज यहां पर भी, जब तक लोगों के मन में केवल और केवल जीतना नहीं आएगा तब तक जो है लोग हार जाएंगे। तो एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट इस्लाम का इस इन्वेजन्स में मिक्सिंग किया गया, और इसके लिए खलीफा को भी ये कहा गया, ये एक तरीके से कह लीजिए कि बताया गया कि अगर हम इन्वेड करेंगे तो हम लोग यहाँ के लोगों को इस्लाम की, मतलब इस्लाम फॉलो करवाएंगे, इस तरीके से स्प्रेड ऑफ इस्लाम हो जाएगा। तो खलीफा ने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा चीज है, इससे तो हमारे धर्म का बड़ा अच्छा जो है विस्तार हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, और किंग की तो अपनी खुद की यहां पर पर्सनल बेनिफिट थी कि उसे जो है बेसिकली ये लूट वाला आइटम चाहिए था। तो इस तरीके से बेसिकली जो इस्लाम है वो इंडिया में आया, जहां पर दोनों लोग अपने अपने पर्सनल बेनिफिट की ओर थे। समझ में आया क्या सीन है? अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और मोहम्मद बिन कासिम एंड ऑल दैट जितनी भी चीजों से रिलेटेड है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर सीन यह है कि हम लोग थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ओर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे बजाय कि फैक्चुअल डिटेल के।
क्लियर हो गया, क्योंकि देखिए फैक्चुअल डिटेल एज सच अब सिलेबस में नहीं आती है डायरेक्ट मोटिव में, तो इस वजह से हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान भी यहां पर नहीं देंगे। ठीक है, काफी तेजी से बारिश हो रही है, ओके कोई बात नहीं, इस समय अच्छा खासा जो होता है एंजॉय करने का मूड एंड यू गाइस आर स्टडीइंग। चलिए खैर, आ जाते हैं हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए इंडिया का अगर बात करें कि अरब्स, ये ध्यान में रखिएगा कि यहां पर ये जो कासिम है ये अरब है। ठीक है, बाकी जितने भी आगे आएंगे गजनवी आएंगे वो गजनी के हैं, फिर उसके बाद से आगे पढ़ेंगे गोरी के बारे में बात करेंगे तो गोरी तो खैर गजनी का ही था, तो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोग आए हुए। जैसे ये जो है नियर अबाउट 6th to 7th century AD की कहानी है ये। ठीक है, फिर इसी हिसाब से गजनवी जो है 1000 AD में आएगा, फिर इसी तरीके से 1100 AD के दौरान में जो होता है मोहम्मद गोरी आएगा। तो वी हैव डिफरेंस इन देयर क्रोनोलॉजी, जैसे तीन तीन चार चार सौ साल पे जो होता है, फिर एक साल पे जो लोग आ रहे हैं इन्वेड करने आ रहे हैं। क्लियर हो गया। अगर बात किया जाए अरब्स और इंडिया के बीच में रिलेशन का, तो देखिए इसकी जो रिलेशन है वो इंडस पीरियड से ही है। इंडस में जो होता है इटली के साथ में और साथ ही साथ अरब्स के साथ में इनका ट्रेड हुआ करता था, और ये ट्रेड ही बेसिकली एकमात्र आइटम था जो अरब के लोग किया करते थे, बिकॉज यहां पर एग्रीकल्चर कुछ खास था नहीं, एनिमल हस्बेंड्री कुछ खास था नहीं, तो लोग केवल और केवल ट्रेड पर ही एक तरीके से फोकस्ड थे। अब यहां पर सीन ये हुआ कि जो मोहम्मद बिन कासिम था अल हज्जीज, इनके जो होता है शासन में था, और ये जो अल हज्जीज थे या जो भी हज्जाज हैं बेसिकली अल हज्जाज के ये रिलेटिव थे, मतलब कि इनकी शादी करवा दी गई थी, दामाद थे बेसिकली ये, तो इनको भेजा गया इंडिया में इन्वेड करने के लिए। तो गवर्नर ऑफ द इराक सेंट मोहम्मद बिन कासिम टू इंडिया। इससे पहले हुआ ये था कि बहुत सारे और भी लोगों ने ट्राई किया था कि यार चलो इंडिया में इन्वेड करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोग जैसे इंडिया के बॉर्डर पे पहुंचते थे उनको हरा दिया जाता था, एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट हार करके लोग वापस आ जाते थे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांडर था और काफी प्लान्ड कमांडर था, तो ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के साथ फिर जो है आगे बढ़ने के साथ ये अटैक करना शुरू करता है। यहां पर एक स्टोरी है कि आखिर में अटैक क्यों किया गया, देयर शुड हैव बीन अ ग्राउंड फॉर द अटैक, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि ऐसे ही बस मन किया चलो आज जो होता है मारते हैं, ऐसा नहीं था। हुआ ये था कि श्रीलंका के एक रूलर था, श्रीलंका के रूलर ने जो खलीफा है और जो यहाँ के हज्जाज हैं इनके लिए एक नहीं 8 ship भेजा गया था, और वो शिप जो होती है काफी ज्यादा उसमें समझ लीजिए गहने वहने सब, मतलब बहुत ही ज्यादा जो होती है वो उसमें हाईली प्रीशियस मेटल्स वगैरह रखे गए थे, पैसे वैसे रखे गए थे, आइटम्स वगैरह रखे गए थे, और वो सिंध में आकर के गायब हो गया था। तो एक इनको इमीडिएट रीजन मिल गया था इंडिया पे अटैक करने का, और उस समय जो टेरिटरी आती थी वो आती थी राजा दाहिर के अंडर, दाहिर के अंडर आती थी, तो ऑब्वियस ही बात है दाहिर से पूछा जाएगा बताओ भाई तुम चुरा लिए हो क्या। तो यहां पर इन्होंने बोला, दाहिर ने बोला कि नहीं हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, लेकिन इनको तो एक इमीडिएट रीजन चाहिए था फॉर द अटैक ऑन द इंडिया। एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट जो है यहां पर अटैक कर दिया जाता है, और अटैक करने के बाद बहुत ही प्लान्ड तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं। ही कॉन्कर्ड सिंध विद द परमिशन ऑफ खलीफा वालिद, वालिद के मतलब जो खलीफ थे उनके परमिशन के बाद में जाता है अटैक करता है। अटैक करने के बाद जो होता है यहां पर कई सारे वॉर लड़े जाते हैं, हालांकि यहां पर केवल और केवल रिवार्ड वॉर के बारे में ही बताया गया है, बट इनको जो है एक काम करते हैं मैं जरा वन बाय वन करके सारे ही वॉर बता देता हूं आपको, याद ना रखिएगा केवल और केवल क्रोनोलॉजी और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिलहाल अगर बैटल ऑफ रिवार के बारे में बात करें तो दिस वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर, और ये था रूलर ऑफ सिंध। दाहिर वाज डिफीटेड एंड सुल्तान एंड मुल्तान वाज कैप्चर्ड, सिंध एंड मुल्तान वाज कैप्चर्ड। मोहम्मद बिन कासिम जो होता है इसको कहा गया था मुल्तान का द सिटी ऑफ गोल्ड। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब जरा इसकी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं, फॉर द क्रोनोलॉजी आपको ये समझने की जरूरत है इंडिया का मैप, और यहां पर ये लोग जो अरब थे ये बेसिकली मुल्तान के एरिया में, मुल्तान इट वॉज नॉट हियर एक्चुअली इट वॉज हियर, मुल्तान के एरिया में जो होता है वो अटैक करना है इनको। तो सबसे पहले ये जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो अटैक होता है वो होता है देवल का अटैक, तो ये बेसिकली पहले देवल का अटैक करते हैं। दिस इज देवल का अटैक, याद बिल्कुल नहीं रखना है आपको, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। देवल का अटैक होता है तो यहां पर जो दाहिर रहता है, दाहिर ने यहां पर थोड़ा सा अपना कह लीजिए कि जो होता है
ऑर्थोडॉक्सिटी या कह लीजिए जो इनकी दूरदर्शिता होनी चाहिए थी, जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, वो इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। इन्होंने वेस्ट साइड को सेफ करने की बजाय इन्होंने ईस्ट साइड को सेफ किया और इन्होंने ईस्टर्न टेरिटरी को अपने बचा करके रखा। इनका एक लड़का था, उसका नाम था जयपाल। जयपाल जयपाल को इन्होंने बोला, जो कि वेस्टर्न फ्रंट पे था, इन्होंने उसको बुला लिया ईस्टर्न फ्रंट पे। देवल पे ऑब्वियसली अब कोई बचा नहीं था, बचा ना होने के कारण से कासिम आया, अटैक किया और उसके बाद से इसको जीत लिया। जीतने के बाद फिर आगे बढ़ा था। आगे बढ़ने के बाद यहां पर एक नेउन, एक जगह पड़ती है नेउन, और ये बेसिकली जो होता है बुद्धिस्ट रीजियन था, बुद्धिस्ट का इलाका था। बुद्धिस्ट आपको पता ही है पीसफुल होते हैं, और पीसफुल होने के कारण से तुरंत ही इनको कासिम को बोला कि भाई आ गए हो, जीत गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग तो पीसफुल आदमी है। तो नेउन को भी इस तरीके से जीत लिया गया था। इसी तरीके से आगे बढ़े और सेहवान का जो रूलर था वो भी अगेन जो होता है भाग गया था। भाग जाने के कारण सेहवान में भी अटैक, मतलब जीत लिया गया। इसी तरीके से सीसम जाट जो थे वहां पर भी जाकर के बेसिकली कह लीजिए कि जो होता है कैप्चर कर लिया गया। और अल्टीमेटली आ जाते हैं ईस्टर्न साइड ऑफ द दाहिर के पास में, और दाहिर के साथ में जो वहां पर लिखा हुआ है राजौर या फिर ब्राह्मणवाद, यहां पर जो होता है दोनों के बीच में वॉर होती है। दाहिर जो है वो मारे जाते हैं, दाहिर की जो वाइफ रहती है वो कह लीजिए जौहर कर लेती है, और ये फर्स्ट एविडेंस ऑफ जौहर हमें इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है, जो कि दाहिर की वाइफ ने किया रहता है। इसके बाद से क्या होता है कि जयपाल के साथ में फिर जो है कासिम का वॉर होता है, जयपाल भी हार जाता है, इसको भी डिफीट कर दिया जाता है। हार जाने के बाद में जयपाल को कह लीजिए कि कासिम वापस से रीअपॉइंट कर देता है कि तुम अब मेरे हुकूमत के अंदर में, मेरे एम्पायर में, मेरे ओनरशिप में आप जो है यहां पर यहां के लोगों के लिए देखिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये आलोर में गया। आलोर में जाकर के वहां पर जो है लोगों को मतलब कह लीजिए कि जो होता है जीत लिया था इलाका। तो यहां पर जब कासिम साहब आगे बढ़ रहे थे तो कासिम साहब के दो ही उसूल थे, दो ही प्रिंसिपल थे, या तो आप इस्लाम को फॉलो कर लीजिए, इस्लाम के फॉलोअर या तो आप बन जाइए, या फिर दूसरा, या फिर आपको जजिया देना पड़ेगा। तो जजिया भी काफी हाई लेवल पे था। तो यहां पर एट पार्ट ऑफ द रिजल्ट, जैसे आपको बोला कि जयपाल जो होता है वो डिफीट हो गया था, डिफीट होने के बाद में पहले शुरू में तो जजिया दे, लेकिन बाद में इसने भी इस्लाम जो है वो कबूल कर लिया था, फॉलो कर लिया था, इस्लाम के ये भी फॉलोअर बन गए थे, और ये ऑब्वियसली फोर्स्ड कन्वर्जन था। फिर उसके बाद से कुछ लोगों ने जजिया दिया, जो लोग नहीं देते थे ऑब्वियसली उन्हें मार दिया जाता था, और यहां पर कई सारी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे गए थे, कई लोगों को मार भी दिया गया था। लेकिन यहां पर जो होता है, जो गुर्जर राजपूत और चालुक्य थे, चालुक्य वॉज जो यहां पर थे, दिस इज चालुक्याज, और यहां पर जो है गुर्जर थे, इस रीजन में गुर्जर थे। यहां पर देखिए ये हाईलाइट कर देता हूं मैं ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। इस रीजन में जो होता है गुर्जर थे, इस रीजन में जो होता है चालुक्यास थे, और इसके अलावा राष्ट्रकूटास, तो ये जो है यहां पर कल्याणी के पास में जो होता है राष्ट्रकूटास थे। इन लोगों ने हालांकि जो होता है गजनवी को आगे बढ़ने से रोका था, सॉरी कासिम को आगे बढ़ने से रोका था और आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो यहीं पर इनकी कहानी जो होती है वो समाप्त हो गई। लेकिन इस समाप्त होने के पीछे जो होती है एक और रीजन है। रीजन ये है कि जो खलीफा साहब हैं और साथ ही साथ जो हज्जाज हैं, मतलब जो एम्पायर का रूलर था, ये दोनों की अचानक से डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद से जो खलीफा है, खलीफा जो है वो अपने मतलब की वालिद के लड़के जो सुलेमान रहते हैं उनके हाथ में चली जाती है। हाथ में जाने के बाद ऑब्वियसली सुलेमान के जो रिलेशन हज्जाज के साथ में तो अच्छे नहीं थे, और ये जो कासिम था वो हज्जाज का ही रिलेटिव था, मतलब जो होता है सन इन लॉ था, तो इसके साथ भी ऑब्वियसली रिलेशन बाय डिफॉल्ट जो है अच्छे नहीं रहेंगे। तो इसके लिए सुलेमान ने फिर जो होता है इस कासिम को वापस बुला लिया था। बुलाने के बाद अरब में फिर इसको जो होता है सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया था, और इस तरीके से इनकी कहानी खत्म हो जाती है। क्लियर हुआ क्या चीज है? इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सिंध एंड मुल्तान वर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्ताज एंड डिस्ट्रिक्ट्स बाय द मोहम्मद बिन कासिम, एन अरब मिलिट्री ऑफिस हेडेड द इक्ताज। तो ये इस तरह से डिवीजन कर दिया गया था ताकि अच्छे से जो है रूल किया जा सके। द सब डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द लोकल हिंदू ऑफिसर्स। जिजिया वॉज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम, तो जो भी नॉन मुस्लिम थे उनके ऊपर जजिया कर या फिर जिजिया ये जो है इम्पोज कर दिया गया था। 25,000 ट्रूप्स
with the 6,000 camels and 6,000 Syrian horses, 3,000 Bactrian camels and artillery fact, ये इसके पूरे के पूरे कह लीजिए कि सेना में इसके जो है defense कह लीजिए कि जो होता है structure था किसका, मोहम्मद बिन कासिम का, clear हो गया। एंड ऑफ द मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करें तो कैलिफ की जो होती है वो डेथ हो गई थी, एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट इन्हें सक्सेस कर दिया गया था सुलेमान के द्वारा, एंड ही वाज एनिमी ऑफ अल हज्जाज, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और इनके रिलेशन ऑब्वियसली बात है इनके साथ में अच्छे नहीं होंगे, तो इनको वापस से बुला करके इनको सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया था। फॉर मोर देन 150 ईयर्स सिंध एंड मुल्तान कंटिन्यू टू रिमेन एज पार्ट ऑफ द कैलिफ्स एम्पायर, द सब्जुगेशन ऑफ सिंध मेड वे फॉर इस्लाम इनटू इंडिया, तो यहां से एंट्री हो गई थी इस्लाम की इंडिया में। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एस्ट्रोनॉमी म्यूजिक पेंटिंग मेडिसिन एंड आर्किटेक्चर वर लर्नड बाय अरब्स फ्रॉम द लैंड एंड दे स्प्रेड ऑटोनॉमी इंडियन फिलोसफी एंड न्यूमरल्स टू द यूरोप, तो इस तरीके से जो होती है, क्योंकि अब देखिए आगे जब आएंगे मोहम्मद गोरी वगैरह के साथ में तो अल बरूनी वगैरह कई लोग आए हुए थे, और इस तरीके से जो होता है आगे सॉरी गजनवी के साथ में अलबरूनी वगैरह आए थे, और उसके बाद से इस तरीके से आगे जो होती है जो फिलोसफीज थी इंडिया की वो बाहर भी आई और बाहर वाली मतलब कि अरब वाली इंडिया में भी आई, और इस तरीके से दोनों कल्चर का आपस में मिक्सिंग हमें देखने को मिल जाता है। तो इन द 8th-9th century तुर्क जो है वो अब बगदाद को कैलिफ्स को जो है डोमिनेट कर लिए थे, और यहीं से फिर गजनवी स्टार्ट होते हैं। दे एक्सटेंडेड देयर डोमिनियन beyond Sindh and Multan into India and finished their work begun by जो भी हैं। इसके बाद से हमारी सिस्टम नेक्स्ट आती है, दैट इज द मोहम्मद गजनी। अच्छा एक चीज यहां पर ध्यान में रखिएगा, जब गजनवी का टाइम हुआ था सॉरी जब कासिम का टाइम हुआ था तो वहां पर ब्रह्मगुप्त की दो किताब थी वो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी अरब में, एक किताब का नाम जैसा कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं खांड खाद्य और दूसरी है ब्रह्म सिद्धांत, तो ये दोनों बुक जो होती हैं वो अरब में काफी ज्यादा फेमस हो गई थी, और इस तरीके से जो होता है पूरा का पूरा सिस्टम हुआ था। क्लियर हो गया क्या चीज है। हालांकि देखिए कासिम के जो डेथ हुई थी, जो सेंटेंस टू डेथ हुआ था, उसके पीछे भी एक कहानी है, पूरी एक स्टोरी है जो कि चचनामा नामक एक स्टोरी में लिखी गई है, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इवन रिक्वायर्ड फॉर यू, तो इस वजह से इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग महमूद गजनी के बारे में और देखते हैं आखिर में क्या सीन है। तो महमूद ऑफ गजनी 1971 to 1030 यहां तक में था, और इसमें देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान में ये रखना है कि यहां पर बेसिकली तीन रूलर्स थे, तीन क्या दो रूलर थे गजनी से पहले। अभी हम लोगों ने देखा कैलिफ्स को डोमिनेट कर लिया गया था तुर्क के द्वारा, और ये तुर्क बेसिकली दो लोग थे, एक का नाम था जिसका नाम था अलप्तगीन, दिस इज अलप्तगीन, और ये बेसिकली जो होता है कैप्चर किया था, दूसरे थे सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन जो है बेसिकली वो इंडिया पर कह लीजिए कि अटैक करने की तैयारी करने लगा था। एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट अफगानिस्तान का जो राजा जयपाल था, जिसे दाहिर का जो लड़का कह सकते हैं आप था वो सॉरी दाहिर का लड़का नहीं, या आगे फिर जयपाल आगे आ गया था, तो इसके साथ में दोनों के वॉर होते हैं, और एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट दोनों के बीच में जो होता है ट्रीटी हो जाती है, संधि हो जाती है। लेकिन उसके बाद से फिर जो है महमूद गजनवी ये आता है, और ये टोटल 17 times अटैक करता है इंडिया पर, 17 times अटैक किया गया है, और काफी ज्यादा जो होता है लूटा गया है। यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है कि इनका जो मोटिव था, क्या था इनका मोटिव, इनका मोटिव था वेल्थ क्रिएशन, ठीक है, तो वेल्थ क्रिएशन या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कि लूट, लूट करना था बेसिकली इनका काम। इन 1000 AD महमूद ऑफ गजनवी इन्वेडेड इंडिया एंड ही वाज द फर्स्ट तुर्किश टू इन्वेड इंडिया, तो पहला तुर्क था, क्योंकि इससे पहले जो लोग आए थे वो कौन थे, वो अरब थे, यानी कि गजनी जो भी काम करवाएगा ऑब्वियसली वो पहली बार हो रहा होगा, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के अगर रेस्पेक्ट में बात किया जाएगा तो गजनी ने देखिए यहां कोई काम नहीं किया था, यहां केवल और केवल जो होता है इसने लूट किया था, और जितने भी तुर्क मतलब कि जितने भी आर्किटेक्चर या पेंटिंग या जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है वो स्टार्ट होगा स्लेव डायनेस्टी से, जो कि इसके बाद आगे आने वाली डायनेस्टीज होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी भी डायनेस्टी मतलब कि जो स्लेव डायनेस्टी थी, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो या फिर इल्तुतमिश हो, रजिया सुल्तान हो, तो इन लोगों ने पहला फर्स्ट टर्किश आर्किटेक्चर वगैरह ये सब डेवलप किया। तो आगे हम लोग बात करेंगे अपने सक्सेसिव लेक्चर्स में, तो आपको जानकारी हो जाएगी। He returned to Ghazna with enormous wealth after defeating जयपाल। सबसे पहले इसने जो होता है जो शाही डायनेस्टी भटिंडा की थी पंजाब में, जयपाल को पहले हराया था। Although इसको हेल्प करने के लिए जो है कई लोग जो होता है राष्ट्रकूट रूलर्स ने जो है इनको हेल्प किया था,
लेकिन अल्टीमेटली जयपाल की डेथ हो जाती, मतलब हार जाते हैं। एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट जयपाल क्या करता है, जयपाल जाकर के सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने के बाद इनका जो लड़का रहता है आनंदपाल, आनंदपाल बनता है राजा। तो ये फतेह दौद ऑफ मुल्तान। फिर उसके बाद से आनंदपाल जो है वो नागरकोट, इनके साथ में वॉर होती है। इनको हेल्प करने के लिए फाइव एम्पायर, पांच लोगों ने बेसिकली इसकी हेल्प की थी, चाहे वो मालवा के परमार हो, चाहे चंदेल हो, चाहे राजकुटास हो। तो इस तरीके से कई लोगों ने, पृथ्वीराज चौहान ने भी की थी, मतलब कि आपके अजमेर के जो चौहान रूलर्स थे, तो इन लोगों ने बेसिकली इनकी हेल्प की थी, लेकिन सब लोग हार गए थे। हार जाने के बाद फिर अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो गजनी है ये आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद फिर आते हैं गुर्जर प्रतिहार रूलर। अब गुर्जर प्रतिहार रूलर उस समय रहता है राज्यपाल। राज्यपाल आपको पता ही है कि बड़ा ही जो होता है डरा हुआ आदमी रहता है, और ये भाग जाता है। भाग जाने के कारण में इसको विद्याधर साहब जो रहते हैं, अब विद्याधर कौन रहते हैं, सब पढ़ा रखा है मैंने, देखिए चंदेल रूलर रहते हैं ये। पहले तो क्या करता है कि राज्यपाल को पहले इनकी कहानी समाप्त करता है कि यार तुम भागे क्यों थे, तुमने हमारी नाक कटवा दी, इंडिया की नाक कटवा दी, भागे क्यों थे। तो इनको निपटाया गया। निपटाने के बाद फिर क्या हुआ था कि जो विद्याधर के साथ में इनकी गजनी के साथ गजनी की वॉर हुई थी, बहुत लंबा चला था। लंबा चलने के बाद अल्टीमेटली 1021 में फिर इन दोनों के बीच में, 1021-22 के बीच में इन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हो जाती है, संधि साइन हो जाती है। और इससे जो गजनवी रहता है वो कहता है भाई मेरे हाथ, मेरे रास्ते में मत आओ, इसको जीता हुआ 15 फोर्ट जो है वो दे देता है विद्याधर को। विद्याधर भी कहता है भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई मतलब ही नहीं है, आसपास वाले हमारी सहायता भी नहीं करते हैं, हमको तुम अपना फोर्ट दो और निकल लो। ये निकल करके फिर अल्टीमेटली चला जाता है गुजरात में। उस समय गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी रहती है, और सोलंकी डायनेस्टी में भीम, दिस इज भीम वन रूलर रहते हैं, या फिर इन्हीं को बोलते हैं मूल शंकर, दिस इज वन, ये बेसिकली जो होता है रूल किए रहते हैं। लेकिन वो इस समय रहते नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं है भाग जाते हैं, वो रहते नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर सोमनाथ टेम्पल पर गजनवी अटैक करता है और यहाँ की जो वेल्थ है उसको ले करके चला जाता है। यही काम नहीं करता है केवल, देखिए डिस्ट्रॉय करने के, मतलब ये वेल्थ के साथ साथ में डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं ये लोग। ये सबसे बुरी आदत थी यहाँ पर कि ये बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पर जो शिव जी की, कह लीजिए कि जो जो यहाँ पर कह लीजिए मूर्ति थी, उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और डिस्ट्रॉय करने के साथ में जो यहाँ पर स्टोन्स थे, टूटने के बाद में जो स्टोन्स थे उसको ले जा करके ये बेसिकली अपने मॉस्क में जो होता है उससे सीढ़ियों पर जो है लगवा दिया था। तो इट वॉज काइंड ऑफ वेरी ह्यूमिलिएटिंग एक्ट जो कि बेसिकली गजनी के द्वारा किया गया था। तो महमूद, वन सेकेंड, अच्छा महमूद सिग्निफिकेंस इन्वेजन इन हिंदुस्तान वाज अगेंस्ट द सोमनाथ टेम्पल इन 1025 एडी लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ काठियावाड़ एंड द राजा भीमदेव द रूलर ऑफ काठियावाड़ एक्सेप्टेड द एस्केप फ्रॉम द प्लेस। तो खैर ये सारा सारा काम हुआ था, गजनी का जो रूल था डिक्लाइंड हो गया था वो 1086 में, और इसके बाद से इनकी डेथ हो गई थी। बाद में मोहम्मद गोरी जो था वो ग्रीअप हो गया था और अल्टीमेटली ये अटैक करेगा आगे जाकर के। इनके शासन में, मतलब कि गजनी के शासन में जो होता है दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे, एक का नाम था फिरदौसी और दूसरे का नाम था अलबरूनी। इसके अलावा और भी देखिए कई लोग थे, उनका नाम अगर बताया जाए तो देखिए एक का नाम था उतबी, वन इज उतबी, UTBI उतबी जो होता है। इसके अलावा एक और ये स्कॉलर थे और एक और साहब थे जिनका नाम था बैहाकी, दिस इज बैहाकी। ये भी दोनों नाम याद रखिएगा बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट इन योर, विद रिस्पेक्ट योर आर्ट एंड कल्चर। फिरदौसी ने आपको पता ही है कि यहाँ पर जो होता है शाहनामा लिखा हुआ था। इसी तरीके से अलबरूनी ने भी जो होता है दो बुक लिखी थी, एक का नाम था किताब उल हिंद, दिस इज किताब उल हिंद, और दूसरा लिखा हुआ था इन्होंने तारीख ए हिंद, ये लिखा गया था इनके द्वारा। किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा। इसी तरीके से उतबी साहब थे, उतबी साहब ने भी यही दोनों किताबें लिखी है, बस किताब उल यमीनी कर लीजिएगा, दिस इज यमीनी। उसी तरीके से तारीख ए यमीनी। अब ये यमीनी क्या है? यमीनी एक्चुअली डायनेस्टी का नाम है जो कि गजनई इसी डायनेस्टी का था, कह लीजिए यमीनी वंश का था या यमीनी डायनेस्टी का ही था, डायनेस्टी, ठीक है। तो ये चीज थी बेसिकली जो आपको याद रखनी थी। फिरदौसी ने, इन्होंने शाहनामा लिखा हुआ है, अलबरूनी ने जो है किताब ए हिंद लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे नेक्स्ट रूलर आते हैं और वो काफी, मतलब नियर अबाउट 150 इयर्स के बाद में ये डेवलप होते हैं, 150-160 बाल फिर ये होता है, ये निकल करके आते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद
गोरी, मोहम्मद गोरी के बारे में अगर बात किया जाए तो ही वॉज द थर्ड मुस्लिम रूलर हु इन्वेडेड इंडिया, इन्होंने तीसरे रूलर थे जो कि इन्वेड किए थे, बिकेम द रूलर ऑफ गोरी। इनका भी जो अटैक हुआ था वो तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन का वॉर हुआ था, जहां पर इन्होंने भटिंडा को पहले फोर्ट्रेस को सीज कर दिया एंड देन प्रोग्रेस इनटू द किंगडम ऑफ पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर के इलाके में था। मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज इन द बैटल ऑफ तराइन इन 1191 एंड रिकवर्ड भटिंडा। इसके बाद से फिर दूसरी वॉर होती है, सेकेंड बैटल ऑफ द तराइन 1192 में, और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पृथ्वीराज जो होता है हरा दिए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज खुद जो है वो हार जाते हैं। इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन द ज्वाइंट फोर्सेस ऑफ राजपूत अंडर पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड बाई मोहम्मद ऑफ गोरी। पृथ्वीराज जो होता है इज हेल्ड एज ए प्रिजनर एंड लेटर पुट टू डेथ। टर्किश रूल बिगेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री विद द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अपॉइंटेड एज द कमांडर ऑफ द मोहम्मद गोरी। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखनी की कि यहां पर ये तीसरा जरूर था, लेकिन इसके पहले जो दोनों लोग आए थे उनका मेन मोटिव क्या था? वेल्थ क्रिएशन। इनका मोटिव था लूट करना, लेकिन जो गोरी आया था, गोरी का जो मेन मोटिव था वो मोटिव था एम्पायर का एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर आप ये बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली जो होता है इनका मेन मोटिव था। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब यहां पर जो ये बैटल्स दिए गए हैं, दीज आर टू इंपॉर्टेंट बैटल्स, बट जरा सा स्टार्ट करते हैं क्रोनोलॉजी वाइज कि आखिर में हुआ क्या था। तो देखिए, सबसे पहले जो अटैक किया गया था वो भटिंडा के राजपूतों के लिए किया गया था। तो दिस वॉज हियर भटिंडा, पंजाब में भटिंडा, यहां पर अटैक किया गया था, और अटैक किया गया था 1176 AD में। नॉट इंपॉर्टेंट, अगेन फिर से मैं बोल रहा हूं, ये सब इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, केवल आपके नॉलेज के लिए है, जानकारी के लिए है, ठीक है। तो भटिंडा में अटैक करते हैं, भटिंडा में अटैक करने के बाद में राजपूत को ये हरा देते हैं। हराने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद फिर जो होता है ये इधर के साइड से अटैक करता है और गुजरात पे अटैक करता है। गुजरात में उस समय तक अगेन सोलंकी डायनेस्टी जिस तरीके से चल रही है वही चल रही है यहाँ पर भी, लेकिन इस समय जो रूलर हो जाते हैं वो भीम जैसे वन थे गजनवी के टाइम पे, यहाँ पर भीम टू आ जाते हैं। भीम टू अपने मदर के साथ में, इनकी जो मदर रहती है वो विडो रहती है, विडो मदर के साथ में ऑब्वियसली इनका जो होता है वो अटैक मतलब कि रिपल्जन देता है, और इस तरीके से ये गोरी को हरा देता है। तो गोरी जो होते हैं यहाँ पर वो डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं। कहानी कब की है? कहानी है 1178 AD की। हारने के बाद गोरी क्या करता है कि चलो भाई वापस चलते हैं, तो ये जो होता है वापस से सिंध के एरिया में आ जाता है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर जाकर के पेशावर को जीत जाता है। तो यहाँ पर आता है पेशावर, और पेशावर को ये अटैक करके पेशावर को जीत जाता है। कहानी 1179 AD, एक साल बाद जीतने के बाद फिर ये आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ऑब्वियसली भटिंडा को इन्होंने कैप्चर कर रखा है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भटिंडा कैप्चर कर लिया है, पेशावर को कैप्चर कर लिया है, इंडिया में आने पे हार गए हैं ये। तो पेशावर के बाद फिर ये आगे बढ़ते हैं और लाहौर पर अटैक करते हैं। दिस इज लाहौर ईयर, लाहौर पे अटैक करते हैं, और ये अगेन कहानी होती है कब? ये कहानी है 1186 AD की, और अगेन जो होता है लाहौर को भी जीत जाते हैं। भटिंडा को जीते ही हुए थे, भटिंडा को जीतने के बाद अब यहीं पर एक मुखबिर रहता है। मुखबिर का मतलब हो गया एक तरीके से कि जो होता है जो एम्पायर के अगेंस्ट काम करता है, और उसका नाम रहता है जयचंद। ये जयचंद बेसिकली जो होता है वो यहीं पर अजमेर में, अजमेर का मतलब पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में रहता है, और ये वापस से गोरी को इनवाइट करता है कि आओ इंडिया में अटैक करो, और ये फिर जो होता है आ जाता है, और यहीं पर तराइन में बेसिकली हरियाणा के पास में यहां पर जो है दोनों के बीच में वॉर होती है। कौन से? तो 1191 AD की कहानी है, यहां पर हो रहा है पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में वॉर हो रही है। लेकिन यहां पर अगेन पृथ्वीराज चौहान जो होता है वो हरा देता है गोरी को, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी का दिल बड़ा रहता है, छोड़ देते हैं, भाग जाता है, फिर आता है बढ़िया से तैयारी करके 1192 AD में, और अब जो होता है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है और इनको मार दिया जाता है, सेंटेंस टू डेथ हो जाता है। और इस तरीके से अब क्या हो गया, ये इलाका मोहम्मद गोरी का हो गया, जो इलाका है मोहम्मद गोरी का हो गया। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो ये है कि दिल्ली का खेल कब हुआ। दिल्ली यहां पर नहीं है, दिल्ली यहीं पर है, खैर यहां पर जगह नहीं है। तो दिल्ली के साथ में खेल ये है कि इसको मतलब इस्टैब्लिश किया गया था तोमर्स के द्वारा। कहानी मैंने बता रखी है,
तोमर्स के द्वारा मतलब एस्टैब्लिश किया गया था दिल्ली को। तोमर जो है वो गोरी की एम्पायर मतलब गोरी की कह लीजिए कि जो होता है सुपरियॉरिटी जो होती है वो डोमिनेंस जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। पार्ट ऑफ द रिजल्ट गोरी का जो मतलब गोरी का जो कैप्चर है वो दिल्ली पर भी हो गया होता है। अब गोरी अकेले नहीं आता है, गोरी अपने साथ कई लोगों को लेकर के आता है और वो होते हैं इनके स्लेव्स। इनके स्लेव्स को लेकर के आता है, स्लेव की कहानी हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। स्लेव्स को लेकर के आता है और उसमें से दो स्लेव इंपॉर्टेंट है, एक का नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको पता ही है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और दूसरे जो साहब रहते हैं उनका नाम रहता है खिलजी, बख्तियार खिलजी, या फिर पूरा नाम रहता है इख्तियारुद्दीन। दिस इज इख आई के इख्तियार उद्दीन, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है। देखिए इतना बड़ा नाम आपको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बस यहां पर जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक तो याद ही रहेगा, बख्तियार खिलजी के नाम से आप याद रख सकते हैं इन दोनों लोगों को। क्लियर हो गया, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं और फिर इसके बाद की आगे कहानी बताता हूं क्या सीन है। मोहम्मद गोरी आते हैं तो मोहम्मद गोरी क्या करते हैं कि ये जो लाहौर वाला इलाका है ये दे दिया जाता है कि भैया ऐबक साहब इसको जरा देखते रहिए, हम अभी आएंगे। लेकिन जो इनके दूसरे मतलब ये तो हो गया पहले वाले स्लेव, दूसरे जो स्लेव रहते हैं वो चले जाते हैं बंगाल के साइड में। यहां पर जो होता है बख्तियार खिलजी चला जाता है, दिस इज बख्तियार खिलजी, और ये यहां पर जो होता है बंगाल को जाता है, यहां पर कैप्चर कर लेता है, बंगाल को भी अपने कब्जे में ले लेता है। कब्जे में लेने के बाद फिर क्या होता है, यहीं पर बिहार में आता है, बिहार में एंटर करता है और यहां पर जो नालंदा यूनिवर्सिटी, इस नालंदा यूनिवर्सिटी को ये जला देता है। क्लियर हो गया क्या है, डिस्ट्रॉय कर देता है। बिकॉज देखिए कोई भी चीज अगर बहुत फेमस होती है तो पहले उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो ये डिस्ट्रॉय किया गया। आज की डेट में अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री पर अगर अटैक करती है तो कभी भी वो मॉन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय मतलब कि नहीं मतलब खत्म कर सकती है। उसके पीछे रीजन क्या है, वी हैव जिनेवा कन्वेंशन, तो इस जिनेवा कन्वेंशन के कारण से किसी भी मॉन्यूमेंट को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड कन्वेंशन आई वुड से, बिकॉज आर्किटेक्चर वगैरह को कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके आर्ट एंड कल्चर उस समय की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ बताता है। तो राइवलरी शुड बी बिटवीन द नेशंस नॉट विद द आर्ट, ठीक है, चलिए खैर। तो यहां पर हुआ ये था कि मोहम्मद गोरी जो होता है वो वापस चला जाता है, लेकिन वापस यहां पर होता क्या है कि इसके दो लोग अगेंस्ट में, एक तो पहले जो शियाज हैं वो इनके खिलाफ में रहते हैं और दूसरे यहीं पर जो एक छोटी सी कह लीजिए ट्राइब रहती है, छोटे से जो लोग हैं वो रहते हैं जिनको खोखर बोलते हैं, दिस इज खोखराज, वन इज खोखराज, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। खोखराज जो होते हैं लोकल लोग रहते हैं, ये दोनों मिल करके जब गोरी आता है वापस से, इन दोनों के मतलब कह लीजिए कि जो बहुत ज्यादा उत्पात मचा के रखे थे, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे तो उसको रोकने के लिए, तो यहां पर दोनों लोग मिल करके गोरी को जो होता है वो मार देते हैं, इनको डेथ इनकी जो होती है मर्डर कर देते हैं और इस तरीके से गोरी की कहानी भी खत्म हो जाती है। इसके आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा गोरी जी के बारे में कि राजपूत अपराइजिंग्स, देयर वर मेनी राजपूत म्यूटिनीज बिटवीन 1193 एंड 98 और इसी के कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक डिफीटेड देम एंड ब्रॉट मेनी रीजियंस अंडर हिज कंट्रोल। गोरी जो होता है वो दिल्ली को कैपिटल बना लिया था। एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, जो ऐबक साहब थे ऐबक ने कभी भी अपना कैपिटल दिल्ली नहीं बनाया था और यहां पर इसके पीछे रीजन है, इन्होंने अपने जो कैपिटल थी उसको लाहौर बनाया था और इसके पीछे जो रीजन है अगर आपको पता है तो यू कैन कमेंट इट और वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी में, तो उसमें बताऊंगा मैं कि आखिर में क्यों लाहौर में इन्होंने अपना सेंटर बनाया हुआ था। आप गेस भी कर सकते हैं, दिस इज क्वाइट सिंपल, इंटरनल पॉलिटिक्स है यहां पर। मोहम्मद गोरी का सीन आगे बढ़ते हैं जरा, चंदावर का वॉर होता है। अच्छा, चंदावर के वॉर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, चंदावर जो जयचंद ने बुलाया हुआ था, इनवाइट किया था, जिसके कारण से गोरी हारने के बाद वापस से इंडिया में आता है, तो वापस से जयचंद को भी 1194 AD में जो है कन्नौज रूलर ऑफ द कन्नौज किल्ड हिम इन द बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर की जो वॉर थी युद्ध था वहां पर इसको हरा देता है।
कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, जो कि अगेन अ स्लेव था, वन ऑफ द कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी, डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ही वॉज असैसिनेटेड, कौन? गोरी असैसिनेटेड ऑन 25th March। अब इतना आपको याद रखने की ऐसे जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस, 1206 AD इन अ सेंट्रल एशिया बाय सम शिया रेबल्स एंड खोखर्स। तो खोखर जो मैंने अभी बताया, ये लोग जो होता है इनको खत्म कर देते हैं। इज कंसीडर टू बी द रियल फाउंडर ऑफ टर्किश एम्पायर, क्योंकि ये एम्पायर एस्टैब्लिशमेंट करने को, एम्पायर एक्सपेंशन के मोटिव से आया था, ना कि लूट करने के मोटिव से। बिकॉज ऑफ दिस वेरियस इन्वेजन्स एंड सब्जुगेशन ऑफ द राजपूत टेरिटरीज इन नॉर्थ इंडिया। इस तरीके से जो कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाते हैं, बख्तियार खिलजी आ जाते हैं और मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से मोहम्मद गोरी की डेथ करने के बाद इंडिया में ऐबक को स्लेव से फिर अल्टीमेटली सुल्तान बना दिया जाता है, एम्पायर दे दिया जाता है पूरा का पूरा, और किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली सल्तनत जो होती है वो एस्टैब्लिश होती है। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट है वो नियर अबाउट 300 ईयर्स तक चलती है, जहां पर 5 तरीके की डायनेस्टी सामने आती है। एक होती है जो स्लेव डायनेस्टी है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, इसमें कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स हैं। दूसरी खिलजी डायनेस्टी आती है, जहां पर जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, जिसके लिए आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, ये लोग आ जाते हैं। तुगलक डायनेस्टी फिर आती है, जहां पर गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिरोज शाह तुगलक, ये आते हैं। लास्टली सैयद डायनेस्टी, खिर्ज खान और आलम शाह, ये आते हैं। और लास्ट एक और लोदी वंश आ जाता है, जो कि बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। और इस तरीके से बाबर के साथ में इब्राहिम लोदी की वॉर होती है और अल्टीमेटली इंडिया में 1526 AD से इस्लामिक या फिर कह लीजिए मुगल एम्पायर जो होती है वो इंडिया में एस्टैब्लिश हो जाती है। तो हम लोग इन आवर सक्सेसिव लेक्चर्स वी विल स्टडी दीज डायनेस्टीज, जो भी डिफरेंट डायनेस्टीज हैं, वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट वंश होंगे उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट होगा आपको तो आप इन चैनल्स पे यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।